नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पिन आई न्यूज। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की। आजाद कांग्रेस के उस धड़े का नेतृत्व कर रहे हैं जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहा है। सियासी हलचलें इस मुलाकात के काफी मायने निकाले जा रहे हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से G23 के नाम से मशहूर असंतुष्ट नेताओं का समूह सक्रिय हो गया था। सोनिया से मुलाकात के बाद आजाद ने कहा कि उन्होंने आलाकमान को कुछ सुझाव दिए हैं। उनका कहना था कि ये सुझाव आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और पार्टी को मजबूत करने को लेकर थे। इससे पहले इसी समूह में शामिल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही G23 के नेता सक्रिय हो गए थे। उन्होंने 11 मार्च को आजाद के घर बैठक की थी। इसके बाद कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार से नेतृत्व छोड़ने तक की मांग कर डाली। आजाद के घर एक बैठक गुरुवार को भी हुई थी। इसी के बाद से सोनिया गांधी के निवास 10 जनपद से आजाद के पास मिलने को बुलाया गया था। सोनिया गांधी के पास करीब एक घंटे की बैठक के बाद आजाद ने कहा कि वो अपने सुझाव आलाकमान को दे दिए हैं। उनका कहना था कि ये सुझाव कांग्रेस को मजबूत बनाने और एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति को लेकर थे। उन्होंने समान विचारधारा वाले क्षेत्रीय दलों से हाथ मिलाने का सुझाव भी दिया। आजाद ने यह भी कहा कि नरम रुख दिखाया। उन्होंने ये भी कहा कि G20 नेतृत्व में बदलाव नहीं चाहता है। वहीं कांग्रेस के नए अध्यक्ष से जुड़े सवाल पर आजाद ने कहा, वैकेंसी कहाँ है? आजाद ने कहा कि मिसेज गांधी लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए नेताओं से बैठ के करती रही। कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक में सुझाव मांगे गए थे, मैंने उन पर सुझाव दिए हैं। आपको बताते चले कि कपिल सिब्बल ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में गांधी परिवार से पार्टी का नेतृत्व छोड़ने की मांग की थी। इसके बाद कांग्रेस में गांधी परिवार का समर्थन धारा आक्रामक हो गया था। उससे सिब्बल को निशाने पर ले लिया गया था। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिब्बल पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि कपिल सिब्बल को तो ABCD तक पता नहीं है कांग्रेस की। अब देखना यही होगा कि मीटिंग का दौर जारी है, कांग्रेस में जो अंतर्कलह है आखिर वो कब थमेगा। मोहम्मद आसिफ, रिपोर्ट SPN न्यूज। सिब्बल ने स्टेटमेंट दिया, देखो क्वेश्चन अभी तो लीडरशिप का कोई सवाल नहीं आया था। जब मिसेस गांधी ने ऑफर किया था तो हम सब लोगों ने इनसे किया कि आप कंटिन्यू कीजिए, जब क्योंकि जो हमने पार्टी के इलेक्शन करने हैं वो उस वक्त बात होगी। अभी तो पार्टी के इलेक्शन नहीं हो रहे, कुछ महीनों में होंगी। उस वक्त कौन पार्टी प्रेसिडेंट बनेगा, कौन नहीं बनेगा, वो उस वक्त के जो वर्कर्स हैं वो फैसला करेंगे। आज तो पार्टी प्रेसिडेंट की कोई जगह खाली नहीं है। जो मिसेस गांधी ने वर्किंग कमेटी में ऑफर किया था कि अगर आपको नहीं चाहे तो हम छोड़ देते हैं, तो हम सब लोगों ने, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी सोच का हो, सब ने मिलके हमने कहा कि नहीं मिसेस गांधी आप कंटिन्यू कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ सुझाव हैं और ठीक करने को संगठन के लिए, वो सुझाव हमने तब दिए थे। और वो सुझाव देते हैं, लीविंग फ्रॉम लीडरशिप चेंज डिमांड। सो वी हैव ऑलरेडी, दैट वाज डिसाइडेड ऑलरेडी इन द वर्किंग कमेटी दैट शी शुड कंटिन्यू, दैट इज नॉट द इशू। Nobody has said that Mrs. Gandhi should just quit. Let me tell you very clear that we decided in the work.